नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद पहुंचे भागलपुर, कार्यकर्ताओं ने जमकर किया स्वागत। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद को 0 माइल चौक पर आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जमकर स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद बाल भवन किलकारी के द्वारा 5 दिवसीय बाल उत्सव समापन समारोह में पहुंचे, जहां कार्यक्रम की शुरुआत उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद के साथ पीरपैंती विधायक लालन पासवान, मेयर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, उप मेयर राजेश वर्मा एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किए। वहीं किलकारी रंगारंग कार्यक्रम सहित विजेता प्रतिभागियों को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने बच्चों को पारितोषित वितरण कर सम्मानित किया। वहीं बच्चों ने कार्यक्रम के दौरान कथक नृत्य, झिझिया नृत्य सहित कई आकर्षक कार्यक्रम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा बहुत ही सराहनीय थी और किलकारी के द्वारा बच्चों के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है। वहीं भागलपुर किलकारी में भवन नहीं होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विभाग इसे देख रहा है। मौके पर स्थानीय नेता सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बिहार बाल भवन भागलपुर प्रमंडल का लगातार यह कार्यक्रम चल रहा था, एक सप्ताह से आज उसका समापन है और इस समापन के अवसर पर मुझे आने का अवसर मिला है। किलकारी बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं, खास करके कला के क्षेत्र में और जो विभिन्न जीवन का आयाम है उन क्षेत्रों में, उसको उभारती है। बिल्कुल अलग दिखा कि छोटे बच्चों में इतनी प्रतिभाएं दिखी और संगीत के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में जो जो प्रस्तुति यहाँ हुई है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके प्रतिभा को दर्शाती है और बच्चों में इतनी प्रतिभाएं और इतनी योग्यताएं हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी हमको आह्लादित किया, काफ़ी अच्छा लगा। हम अपनी शुभकामना देते हैं कि वो किलकारी का अपना वो एक प्रशासनिक श्रृंखला है, वो किलकारी देख रही है, सरकार हमेशा किलकारी को सहयोग किया है और आगे भी किलकारी को सहयोग करेगी।